यमुनानगर में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के बाद सरपंचों और मंत्री के बीच नोकझोंक देखने को मिली। संबोधन के दौरान पंचायत मंत्री ने कहा कि किसी की कोई शिकायत हो तो कार्यक्रम के बाद बताएं, जिस पर कुछ सरपंचों ने अपनी शिकायत मंत्री को सौंपी तो मंत्री भड़क उठे और इसी बात को लेकर मंत्री और सरपंचों के बीच नोकझोंक हो गई, जिस पर मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा कि कोई भी सरपंच गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरपंच मांग कर रहे थे कि गांव में विकास कार्य सरपंच की तरफ से कराए जाने चाहिए, ना कि ठेकेदारों की तरफ से। लेकिन वही मंत्री का कहना है कि गांव के विकास कार्य ई टेंडरिंग के जरिए किए जाएंगे, जिस पर कोई भी सरपंच मानने को तैयार है। जैसे करेगा वैसे बता दीजिए, आप अपना कार्य करेंगे। सरपंच ठेकेदार पैसे खा जाएंगे, ई टेंडर के माध्यम से काम करवाएंगे। वो एक कमेटी बनेगी, उसमें पहले जो इंटेंसली अगर कोई करवाना चाहता था सरपंच के खिलाफ या वो कर लेता था, दोनों बातें थी। इसी प्रकार कोई अधिकारियों तो परवेज वाली कैसे में कर्मचारी में छोटे लेवल पे या ऊपर लेवल पे ब्लॉक लेवल पे ऊपर लग जाते थे। अभी ई टेंडरिंग के माध्यम से एक तो काम में क्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि जो PWDBNR के रेट हैं वो रेट आज पंचायतों में डिवेलपमेंट पे वर्क को मिलेंगे और उससे काम में गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी आएगी, और जो ये निराधार कई बार निराधार भी लग जाते थे उनसे भी हमारे जो चुने प्रतिनिधि बचेंगे। गांव नेड़ी से मेरे गांव में एक नॉलेज सेंटर खोल लिया, उसकी ना टाइले भी बैठ गई, ठेकेदार का काम किया, अब किसको पकड़े, कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए हमारी तो यही दरखास्त है, जो है जनप्रतिनिधि से काम कराया जाए, जो गांव के लोकल काम है वो तो उनसे कराया जाए, जो ई टेंडरिंग से कराए कोई दिक्कत नहीं। गांव में ये 2 लाख रुपए के जो रखा है ना जी, ये 2 लाख में हम जो बिगड़े सीमर है ना वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नाले वगैरह की अगर उसकी कोई पाइप टूट गया, कुछ टूट गया, अब पानी निकला हुआ पड़ा है मेरे गांव में। मैं अपने गांव का एग्जांपल दे दूंगा, अगर उस गांव में पानी निकलना पड़ा है, अब वहां 2 लाख में वो काम नहीं हो सकता। सर ठेकेदार पहले भी काम करते हैं, हम भी देखते हैं, हम पिछली बार भी पंचायतों में हमने काम सरपंच से, हमने कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता, अच्छा मटेरियल लगाता, वो क्या करता है काम करे चले जाएगा, लेकिन सरपंच को तुम्हें पता है अगर घटिया काम करेगा गाँव वालों की गाड़ियां रखावागा जी 5 साल। लेकिन हम जिस चीजें कहते हैं ये प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, सरपंचों को साथ लेकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सरपंचों का हाथ बांध दिए, सरपंचों का काम ये थोड़ी है अभी लड़ाई झगड़े निपटाने, लड़ाई झगड़े करण करो, ऐसा ऐसी काम सौंप दिया, उसकी कुछ जिम्मेवारी भी तो होगी। गांव में इतने टूट फूट के काम है और भी हैं, काफी हैं, पहले सरकार ने 20-20 लाख के काम करवाए, क्या बात है, ऐसा थोड़ी कम से कम हमारी सीमा बढ़ाई जाए।